बेहतर होगा तुम अपना ड्रामा बंद कर दो। अब तुम्हारा ना मेरी बेटी से अब कोई ताल्लुक है ना कोई रिश्ता। बेहतर है कि उसका नाम भी आज के बाद अपनी जुबान पर मत लाना। आंटी खुदा की कसम, मैं बिल्कुल मैं नहीं जानता था कि सोनिया का एक्सपेक्ट। अब यकीन तो अब पता चल गया ना, घोंट दिया ना तुमने उसकी खुशी का गला। अब साइन करो इन पेपर्स पे। मैं पेपर पे साइन नहीं करूंगा। सोनिया को नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता सोनिया को। साइन नहीं करूंगा सोनिया, प्लीज डू दिस। सोच लो फिर हवालात में होगे तो। धोखा दही के इल्जाम में, मेरी बच्ची के मिसकैरेज के इल्जाम में, और बगैर पहली बीवी की इजाजत के दूसरी शादी करने के इल्जाम में फैसला तुम्हारे हाथ में। बोलो उनसे साइन करते हैं। वैसे भी सोनिया ने आपकी शक्ल अब कभी देखी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ अम्मी को, बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर को बुलाया? हाँ सिद्रा की अम्मी लेकर आई थी, डॉक्टर ने दवाई दी है, सो रही है और आराम करने को भी कहा है। क्या हुआ क्या था, सुबह तो अच्छी भली थी। पता नहीं ब्लड प्रेशर लो हो गया अचानक से, डॉक्टर ने तो ये भी कहा है कि अगर ठीक नहीं हुई तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ऐसा क्या हो गया अम्मी को? और ये जुगनू कहाँ है, अभी तक वापस नहीं आई वो। लगता है उसे किसी बात का एहसास ही नहीं रहा है। मैं लेकर आता हूँ। फरहान फरहान, कोई फायदा नहीं है जाने का, बैठ जाए। हुआ क्या? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मतलब? अम्मी लेने गई थी सिद्रा के घर जुगनू को। फिर? फिर ऐसी हालत में घर वापस आई है। सिद्रा की अम्मी ने कहा है कि जुगनू उनके घर नहीं है। क्या बकवास है, तुमने उन्हें कहा नहीं कि वो कल रात से उन लोगों की तरफ है?
मैंने सब कुछ कहा था फरहान, लेकिन उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी और बिना जवाब दिए चली गई यहाँ से। मैं लेकर आता हूँ जुगनू को और पूछता हूँ उससे। जुगनू वहाँ नहीं है फरहान, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल गई वो। ठीक हो बेटे? हाँ? तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं पहले? Are you feeling okay? बोलो ना बेटे, what are you feeling? सही हो? मुझे घर जाना है। की कसम खाला, अगर ये सच नहीं बोलेगी ना तो मैं पुलिस लेकर आ जाऊंगा, फिर वही इससे सच चुकवाएगी। शराफत से बता दो सिदरा, जुगनू कल से कहां गायब है? फरहान भाई, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आप मेरा यकीन करें, आप मेरा फोन चेक कर लें, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी तो परसों के बाद से जुगनू से कोई बात ही नहीं हुई। और फरहान भाई, अगर वो यहाँ पर आती तो अम्मा को भी तो पता होता ना। आप अम्मा से पूछ लें, आपको यकीन नहीं आ रहा तो। झूठ मत बोलो। बस कर दो फरहान, बस। पहले तुम्हारी माँ और अब तुम दोनों तो पीछे पड़ गए हो मेरी बच्ची के। हम पर चिल्लाने से बेहतर है कि जाकर अपनी बहन को ढूंढो, जो पता नहीं किसके साथ। खाला, अपनी बहन के लिए ऐसा एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी जुगनू ऐसी नहीं है। मेरी सिदरा भी ऐसी नहीं है। किसी ने जुगनू के साथ गलत किया है, और जो किया है इसे अच्छी तरह मालूम है। जो मुझे ये खुद से नहीं बता देती तो इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अगर मेरी जुगनू को कुछ हुआ ना तो बचेगी ये भी नहीं। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, आप यकीन कर। इसीलिए कहते बुरों की दोस्ती इंसान को बदनाम कर देती है। मैं कब से तुमसे कह रही थी कि इस जुगनू से अपना पीछा छुड़ा लो, पड़ गई ना गले में तुम्हारे। ये देख सिदरा, सच सच मुझे बता दे, अगर तुझे कुछ भी पता है जुगनू के बारे में तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। अम्मा, आपके सर की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप तो मेरी बात का यकीन करें, मुझे वाकई नहीं पता जुगनू कहाँ है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी?